हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी के यहाँ का मौसम? हमारे नेपाल में तो थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। हमारा लाइव शो शुरू हो चुका है, मैं वेट कर रही हूँ अपनी पार्टनर स्वाति गोयल का। फटाफट से जुड़ जाइए। हेलो हेलो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज जो है वो हम लोगों का कॉर्पोरेट वेबिनार बुर्ज खलीफा में भी शो होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मुकेश सागर सर जुड़ चुके हैं और मेरी को पार्टनर भी जुड़ चुकी है। वेलकम स्वाति। वेलकम वेलकम खुशबू मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। और आज के लिए तो काफी एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि आज हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार भी है और हमारी कंपनी का बुर्ज खलीफा में शो भी है, यस तो काफी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है और होना भी चाहिए, बट ओवर एक्साइटमेंट के साथ नहीं, हम लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ धीरे धीरे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। तो जब तक व्यूअर जुड़ रहे हैं तब तक हम आज का जो सब्जेक्ट है वो आपको हमको सबको सुनने को मिलता ही होगा, चाहे घर वालों से, चाहे फ्रेंड सर्किल से, चाहे कॉलिग से। वाई मीटिंग वाई वेबिनार, मतलब मीटिंग क्यों और ये वेबिनार क्यों? तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे कुछ बात की जाए, क्योंकि आज हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार भी है। तो इसी टॉपिक पे हमने आज अपनी थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वाति, पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि वाई मीटिंग वाई वेबिनार। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ धीरे धीरे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। वेलकम राजेश कुमार सर, वेलकम अजीत सर, वेलकम संजय सर। सो बहुत अच्छा टॉपिक है और आज का वेबिनार भी है। तुम खुशबू मैम, बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है क्योंकि जरूरी भी है। अगर कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो शायद उनके थोड़ा सा दिमाग में चला जाए, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं वेबिनार इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग कल अपडेट तो ले ही लेंगे क्योंकि अपडेट तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो उनके लिए आज ये जो टॉपिक रखा है हम लोगों ने बहुत अच्छा रखा है। तो उसके लिए मैं इतना शुरुआत करना चाहूंगी कि वेबिनार, सेमिनार और मीटिंग क्या चीज है। सेमिनार जो हुआ करते थे, एक ही चीज है सारी। सेमिनार पहले हुआ करते थे जब फिजिकली डिजिटली हम लोग नहीं थे, हम लोग एडवांस नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी, फिजिकली वर्क हुआ करती थी। अगर अभी यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, एमएलएम से भी बहुत सारे जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कैसे फिजिकली हम लोग वर्क किया करते थे। जगह जगह घंटे घंटे, दो दो घंटे पे जाके मीटिंग लेना, उसके बाद वेन्यू डिसाइड करना, वेन्यू को रेंट पे लेना, अरेंज करना, कितना डिफिकल्ट था सोच के देखा जाए तो। अगर आज से अगर हम कंपेयर करें तो लोग जाते थे क्योंकि अपना काम है, काम जरूरी है, ऐसे ही मीटिंग है, मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अगर कोई भी हम काम कर, चाहे हम छोटा सा एक बिजनेस भी करते हैं, छोटा सा बिजनेस, ये तो हम लोग कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट अगर हम छोटा सा बिजनेस भी करते हैं, वहां पर एक मालिक होता है और दो तीन एम्प्लॉय होते हैं, बट एक टाइम होता है कि हम बैठकर एम्प्लॉय के साथ बात करें, एक कोऑर्डिनेशन बनाए, चीजें बनाए, उसको समझाएं कि किस तरीके से तुम्हें डील करना है। एक कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, मीटिंग में जितने भी होते हैं साथ बैठे, अपने अपने विचार भी रखे, किसी की गलती है तो उसको बताया भी गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई सामने वाला अपने व्यूज भी रखता है, तो वहां पर भी इन चीजों का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये चीजें हर फील्ड में जरूरी है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है। अभी हमारे जो वेबिनार्स चल रहे हैं, कहने के लिए अगर बहुत लोग सोचें तो वेबिनार में क्या कराया जा रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ शेयरिंग ले लेते हैं, शेयरिंग सुनते रहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बताते। कुछ नया ये तो बताते नहीं है कि पैकेज कब आएगा, ये तो बताते नहीं है कि वॉलेट कब आएगा, बहुत सारे ऐसे। तो
उनको ये जानना जरूरी है कि जो चीजें पैकेज वॉलेट और प्रोडक्ट कब आएंगे, ये कंपनी का काम है सोचने का, कंपनी के सीईओ का काम है सोचने का, ये हमारा काम नहीं है। जब चीजें आएंगी आपको वो आपके सामने ही आने वाली है। लेकिन अभी हम लोग वेबिनार में क्या करते हैं, वेबिनार में हम लोग यही तो चीजें कर रहे हैं, तो जी कि वहां पर हम अपडेट रहते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए पिछले 2 महीने से कोई वेबिनार नहीं होता या ये फेसबुक लाइव नहीं होता, मैं खुशबू मैम से नहीं मिलती, मैं खुशबू मैम मेरे से नहीं मिलती, और हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐड नहीं होते, तो हम लोगों की कनेक्टिविटी नहीं बनती। हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे के साथ अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ले ये लेते हैं अपने जो हमारे बीच। साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो वेलकम सर। सर, आप अपना परिचय देते हुए, आप वेबिनार और मीटिंग क्यों जरूरी है अथवा जरूरी नहीं है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप दोनों में से जो भी आप जैसा सोचते हो वैसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मैडम जी नमस्ते। आवाज नमस्ते सर। क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा नाम सुभाष चंद्रा है, मैं यूपी आगरा से हूँ और मैं पिछले 2 ढाई साल से इसमें ज्वाइन हूँ। और हर मीटिंग, हर वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, जानने के लिए, क्योंकि अच्छी अच्छी अपडेट हमें मिलती रहती हैं, वहाँ से जानकारी भी मिलती रहती है, जिससे कि हमें पॉजिटिवता जो है मिलती है। और जब तक हम वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे या मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। अगर हम टाइम टाइम पे मीटिंग अटेंड करते रहते हैं और वेबिनार अटेंड करते रहते हैं तो उससे हमें मालूम रहता है कि हाँ, हमारी प्रोसेसिंग जारी है। और कभी ना कभी बहुत अच्छा होगा और बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरे घर में ही सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं किस बारे में ये लगा रहता है, मालूम नहीं है इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे को खुद अपने ऊपर विश्वास है। और यश मुफारे जो कि हमारे लिए सोचा है उन्होंने, तो उनके ऊपर विश्वास है, बहुत अच्छा करेंगे वो, सभी के लिए बहुत बढ़िया करेंगे। थैंक यू सुभाष चंद्र सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपने जो बात कही ना, यस, मीटिंग और वेबिनार बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम कंपनी के अपडेट से अपडेटेड रहें। और जो लोग हमें कहते हैं आज, कुछ समय बाद वो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हम लोग क्यों इतने ज्यादा इसको लेकर के पॉजिटिव हैं। यस स्वाति। यस सर, बहुत अच्छे से आपने सर आंसर दिया है और परफेक्टली आंसर दिया है, और यही चीज सभी को मैसेज भी जाती है कि हम लोगों को एक्टिव रहना है, वेबिनार क्यों जरूरी है। तो इन चीजों का, हर चीजों का बेनिफिट होता है, और सबसे बड़ा है कि वेबिनार, अभी तो हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल में हम लोगों को कुछ नहीं करना, आकर बैठ गए हम, कैमरा ओपन करिए और चेयर पे बैठ जाते हैं, दैट्स इट। ना हमें कहीं पर जाना है, ना कहीं पर टाइम लेना है, कुछ नहीं करना है। इतना इजी होने के बाद भी अगर हम लोग वेबिनार पे नहीं जाते हैं तो वो टोटली हमारा नुकसान है। बिल्कुल तो इसमें आगे यस। मैम आपसे जानना हमारे चाहती पास में जितेंद्र सर की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन नेटवर्क की सुखी वजह से उनका डिक्लाइन हो गया है। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी। तो मीटिंग और वेबिनार क्यों जरूरी होते हैं, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, रंजीत सर, तो मैं इसलिए इसे पॉइंट वाइज बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो दुनिया में हम लोगों को जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपडेट होना जरूरी है। यस रंजीत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, वाई मीटिंग वाई वेबिनार? जय श्री श्याम। सभी को नमस्ते। मेरे तरफ से बोलाऊंगी, नमस्ते। आज रात को जो है वेबिनार होगा तो किसमें होगा? सर जूम में, अभी तो जूम की लिंक आई है सर बैक ऑफिस में। अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैं चेक किया तो मेरे पास आया नहीं, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है यस मैडम, नमस्ते। नमस्ते। अभी बात, नमस्ते। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है अपडेटेड होना। तो वो अपडेट किसी भी तरीके का हो सकता है, कंपनी का नॉलेज भी हो सकता है, कंपनी के प्रोसेसिंग का नॉलेज भी हो सकता है, या कंपनी की फर्दर प्लानिंग का भी नोटिस
हो सकता है, या वो अपडेट कंपनी में क्या स्टेप्स गोइंग ऑन हो रहे हैं उसका भी, और कंपनी के क्या अचीवमेंट है, क्या उनके स्टाफ को दिया जा रहा है, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। तो हम लोगों को अपडेटेड रहते हैं, उसके बाद हम लोगों को वेबिनार अटेंड करना चाहिए ताकि हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। वेबिनार अटेंड करने से डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार जो होते हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन होता है, और जब डिस्कशन होता है तो हमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो वो सारी जानकारी हम मिलती है। वेलकम सर, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वाई मीटिंग, वाई वेबिनार। अस्सलामुअलैकुम। বাংলাদেশ থেকে বলতেছি, অনেকদিন থেকে শুনি ম্যামের, ভালো লাগে, জাস্ট তাই জন্য চেষ্টা করি আর কি, ঢুকলাম আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার আনে কে লিয়ে। सर आप बता सकते हैं कि मीटिंग और वेबिनार क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है, दोनों में से आप जो भी सोचते हो। जी 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 ना, मीटिंग जरूरी है, बांग्ला दिए बोलती थी, ठीक है सर। हाँ यस यस सर, कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग तो इस जन्नो जरूरी, सबाई इस जन्नो नॉलेज थक बे हैं, हमारे सामने जो उद्बोधन होए जावे तो सबाई के काज करते उन्हें आराम होगा, ঠিক আছে। সবাইকে নমস্কার। হাসনান খোরশেদ স্যারের মাধ্যমে কাজ করি আমি, প্রত্যেক সময় দিন মিটিংয়ে থাকি কম বেশি, আর আপনার লাইভ শুনি, ভালো লাগে, এর জন্য আজকে আপনি ওপেন করলাম। সবাইকে বলবো আমরা প্রতিদিন সবাই মিটিং শুনে, এর জন্য রাখি আমি সবাইকে, নমস্কার আদাব, সবাইকে রাখি। सर ने बहुत अच्छी बात कही, सर हमारा लाइव भी सुनते हैं और बहुत सारा वेबिनार सुनते हैं, और इनसे उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो बहुत दिन से चाहते थे कि हमारे साथ ज्वाइन करें, आज वो फर्स्ट टाइम ज्वाइंट हुए, तो थैंक यू सर। यस जी के सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? वाई मीटिंग, वाई वेबिनार, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। वेलकम सर। इसका एक ही पॉइंट बोलूंगा मैं जो ज्यादा टाइम में लगेगा। किसी भी बिजनेस में या फिर किसी कंपनी हम ज्वाइन होते हैं ना, तो वो कितनी ऑथेंटिक है, वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, और उसमें कितने लोग शामिल है, कितने लोग इनमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से लेवल से है, और उनको अगर सही लगता है तो हमें भी सही लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी जो रहती है ना, हम लोकशाही वाले देश देश के रहवासी है, जहाँ पर क्या रहता है, डेमोक्रेसी है, तो सभी ज्यादा बहुमत वालों पर ही यकीन करते हैं। तो यहाँ पर बहुमत वाले लोग वेबिनार में आते हैं, इतने लाखों लोग, इतने हजारों लोग अगर वेबिनार करते हैं तो अगर हम उनमें जाएंगे तो हमको उम्मीद बनी रहेंगे कि हम जिस जगह पे है वहां पर हम सुरक्षित है, मतलब सिक्योरिटी के लिए ही हम वेबिनार कर रहे हैं, ऐसा एक दृष्टिकोण रखेंगे तो ये भी एक कारण है, एज पर सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। और हम अपने सारे के सारे क्षण एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मोमेंट शेयर करने के लिए भी वेबिनार्स करने बहुत जरूरी है। हम लगे रहेंगे तो क्या रहेगा, एक कैरी ऑन फीलिंग रहेंगी, और हम कभी भटकेंगे नहीं, सबसे पहले हम नेगेटिव नहीं होंगे और हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं खेलेंगे, हम एक ही जगह पे रहेंगे, एक तो पॉजिटिव रहेंगे नहीं तो नेगेटिव रहेंगे, तो हम क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहने के लिए वेबिनार करते हैं, बस इतना ही कारण है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी के सर। यस स्वाति, कैरी ऑन, बिल्कुल खुलना चाहिए। तो सर आपने बहुत अच्छा बोला पॉइंट कि वेबिनार में जब हम लोग रहते हैं, वेबिनार होता है, वहां पर क्या चीजें हैं, हम लोगों को पॉजिटिविटी ही के बारे में बताया जाता है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कई बार वेबिनार में नेगेटिव लेकर आते हैं, नेगेटिव थॉट होता है उनके दिमाग में, बट वो वेबिनार में आते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब वो सुनते हैं, चीजों को पॉजिटिव सुनते हैं, तो वो सुनने के बाद अपने आप अंदर चेंजेस आते हैं इस चीज के। हम लोग भी देखते होंगे कि हम लोग जब वेबिनार में जाते हैं किसी पॉइंट को लेकर हमारे बीच में नेगेटिविटी होती है कि नहीं यार इसको ऐसा होना था, ऐसे होना था, क्योंकि हम अपना थॉट यहाँ पे थॉट प्रोसेस चला रहे हैं, बट जब वेबिनार में जाते हैं, जब सामने वाले का सुनते हैं, तो हमारा सडन हमारा यस, नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल
ऐसा ये चीजें होती हैं। एक और पॉइंट है, हाँ एक और पॉइंट है कि हम अपनी पर्सनैलिटी ना अपने पोजीशन के हिसाब से अगर करनी है तो हमें लगे रहना पड़ेगा। अगर हम घर पे ही बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ बैठे धरे अगर बैठे रहेंगे तो हम कुछ सीखेंगे ही नहीं। ऑन पैसों के बारे में जानकारी देने का एक जरिया है वेबिनार, और अगर हम रीडेबल पॉइंट्स अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स है, लेकिन जो इंटरनल चेंजेस हमारे पर्सनैलिटी में होनी जरूरी है, जो पर्सनैलिटी हमें चाहिए, जिसकी हमको जरूरत है, वो सारा का सारा नॉलेज और जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर आने के लिए हमें अपने जैसे विचारों वाले लोगों को साथ में लेकर आना, ये बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ वेबिनार के जरिए ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। तो मैं बता रही थी कि हम लोगों के लिए वेबिनार क्यों जरूरी है, तो अपडेट होने के लिए जरूरी है, इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, लर्निंग के लिए जरूरी है, क्योंकि वेबिनार में हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ जो हमें नहीं पता होता है वो नई नई जानकारियां हमें नॉलेज मिलती है, बहुत सारी चीजें हम लर्न करते हैं। उसके बाद जो सर ने कहा कि पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को वेबिनार करना चाहिए, उसके बाद हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी वेबिनार जरूरी है, क्योंकि वेबिनार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं और कुछ नमस्ते अनवर सर एंड नमस्ते रेहाना मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आज आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है। नमस्कार मैम, नमस्कार आपने बहुत ही अच्छा रखा है कि हमें वेबिनार क्यों अटेंड करने चाहिए, वाई क्यों। तो हर हर काम के लिए हमें सब कुछ पहले सीखना पड़ता है, जैसे कि बच्चों को अगर हमें डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है तो पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमें असली ऑन पेसिफियन बनना है तो हमें वेबिनार अटेंड करना जरूरी है, तो हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी जा करके हम ऑन पेसिफिक के अच्छे और रियल फाउंडर कहलाएंगे। वरना ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आइडिया लगा दी हैं और बस भूल गए हैं, वो अपना बैक ऑफिस भी खोल करके नहीं देखते, ना कुछ शेयर करते और फिर और लोगों से अपडेट लेते हैं। तो इसलिए हमें खुद पर डिपेंड होना चाहिए, और अगर हम डिपेंड रहेंगे अपने पर, ये हमारे लिए सबसे बेहतर है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, हमारी जानकारी मिलेगी, और जितने भी अपडेट होंगे हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही अपडेट रहेंगे हर बात में। तो बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छा आज का जो रखा है टॉपिक, बहुत बेहतरीन लाजवाब, थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। तो सर का नाम क्या था सर? सदाब, अनवर सदाब और रेहाना मैम। तो उसके बाद स्वाति, मैं ये बोलना चाहूंगी कि वेबिनार से हमारा क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है या हमारी पॉजिटिविटी कब बढ़ती है, जब हमें उस चीज के बारे में सही तरीके से और सही जानकारियां पता हो, क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों से सुनेंगे तो शायद हम लोगों को कुछ जानकारियां गलत भी मिले, क्योंकि एक मुंह से जब चार मुंह तक बातें जाती हैं तो होते होते वो बात बढ़ भी जाती है और घटा भी दी जाती है, ये तो कॉमन जिंदगी में भी होता है। और इसको समझने के लिए हम लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम सभी उससे अवेयर हैं, जब हमारे बच्चों के भी स्कूल में हम पढ़ाते हैं ना, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्या है, वो भी तो एक तरह का वेबिनार ही है। वो क्यों रखी जाती है, ताकि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की जो एक्टिविटी हो रही है, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, या बच्चा किस चीज में पीछे है, या बच्चा किस चीज में आगे है, किस तरह के एक्शन ले रहा है, वो सब कुछ उसे पता चले। तो इसलिए पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, और पेरेंट्स भी अपनी शिकायत कर सकते हैं या अपना कोई सजेशन दे सकते हैं बच्चे को लेकर के। अभी मैम, मैंने आपकी एक्सेप्ट की थी, शायद डिक्लाइन हो गई है। हेमंत राम सर, आपकी भी एक्सेप्ट की थी, आपकी भी नहीं हो पाई है, तो अगेन से भेजें।
तो इस तरीके से एक हम लोगों को एक दूसरे के बारे में हम कनेक्टेड हो पाते हैं और एक दूसरे को जान करके हम उस चीज पे वर्क ऑन कर सकते हैं, जो हमारा कमजोर पॉइंट होता है उस पर हम वर्क ऑन कर सकते हैं। यस, वेलकम रूबी। वेलकम रूबी मैम। थैंक यू मैम। वाकई में आज हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब तक हम वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हर डे पर डे, हर मीटिंग के लिए, हर वेबिनार की जो टॉपिक हम लोगों को दिया जाता है, उस टॉपिक की जानकारी हमको जब मीटिंग ही अटेंड करेंगे तब हमको जाके कहीं जानकारी इनके मामले हमको मिलेगी। और बेटा अटेंड, सॉरी बेटी आ गई थी, तो हर जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग ये मीटिंग अटेंड करते हैं और हम लोग इस मीटिंग की बहुत जरूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूबी मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। बिल्कुल इम्पोर्टेंस है वेबिनार की बहुत ज्यादा। हमारे बीच में एक कमेंट आ रहा है खुशबू मैम। मुरुगेश सर का आ रहे हैं कि ड्यू टू वेबिनार मेनी कॉन्फिडेंस कैन बी थोड़ा सा डेवलपमेंट एंड एक्टिव। यस बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि किसी भी वेबिनार में हम लोग कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंट और एक्टिविटी बिल्ड होती है। हम सभी ने देखा होगा, इवन मैं और खुशबू मैम भी जब कंटिन्यूसली वेबिनार में जाते थे, बहुत सारी चीजें हमने धीरे धीरे हैंड रेस किया, बोलना सीखा, वहां पर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। एक लाइन से शुरुआत हुई थी हमारी, एक शब्द से कहूंगी कि थैंक यू से शुरुआत हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे एक लाइन पर पहुंचे और एक एक टाइम ऐसा आया कि हम लोगों ने खुद वेबिनार में एक प्रोजेक्ट के ऊपर बोलना शुरू किया और आज आपके सामने बैठे हैं। तो हर चीज हम लोगों को बहुत सारी चीजें देकर जाती है। और वेबिनार में एक चीज और बोलूंगी कि वेबिनार में जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, अभी मैं घर में बैठी हूँ, अकेले काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में लोग कैसे काम कर रहे हैं या हमारे ऑन पैसिव भी नहीं कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेबिनार में आते हैं, चाहे हम कुछ भी ना बोलें, लेकिन बहुत सारे लोगों के हमें एक्टिविटीज पता लगती हैं कि यस ये इस तरीके से काम कर रहा है, तो हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक जुनून आता है। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसे जेंट्स भी होते कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो हम लोग एक दूसरे की वर्क को देखकर भी मोटिवेट होते हैं, तो इन चीजों का बहुत असर होता है। और ये चीज एक कंपनी के लिए जब वो बिल्ड हो रही है, तो हमारी इस तरीके की कोऑर्डिनेशन, हम चाहे टीम वर्क काम कर रही है, हम भी एक पार्टी है अपनी कंपनी का एज ए फाउंडर, तो हम लोग एक टीम के साथ एक अच्छे पॉजिटिव चीजों को स्प्रेड करने में कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, तो ये चीज कंपनी के लिए प्लस में ही जाने वाली है। तो वेलकम। आप वेट करें, पहले हमारे साथ एक अदर गेस्ट जुड़े हैं, तो हम पहले उनकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे। यस वेलकम सर। यस सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। आज का वेबिनार तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का बिल्कुल सर, तो आज आप जा रहे हैं वेबिनार में? जी जी, हम तो हर टीम चैंपियंस में भी और जब भी होते हैं दुबई का बुर्ज खलीफा में, तो हम लोग नाइट में रहते हैं 12-3 बजे रात तक। ग्रेट ग्रेट सर। एक्चुअली में सर यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपडेट अगले दिन हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, बट जो हम करंट लाइव देखते हैं उसका इफेक्ट हम लोग वो पे अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो वेलकम सर। वेलकम महेंद्र सर, क्या बोलना जी? वेलकम जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, मैं यस के लिए ही बोलना चाहता हूँ इस वेबिनार में। अब क्या है कि सबसे ज्यादा तो खुशी वही देते हैं, और हमारे 14,30,000 फाउंडर तो वो इतना देते हैं कि मतलब अपने शरीर में समाता ही नहीं। जैसे हमारे गुजबेंदर सर जी अभी 2 दिन से कंटिन्यू एकदम मूड में है,
जो सुनता होगा उसे रियल समझ में आता होगा कि ये कंपनी रियल में कहाँ पहुंचने वाली है। और ये रियल में इसीलिए बता रहे थे कि अभी आप लोगों को ओनली 95% ही पता है और 90 यानी कि 5% पता है, 95% मैं दबा के रखा हूँ, तो रियल दबा के रखे थे। अब बताइए उनके साथ हमें लगता है कि कुछ मतलब बहुत सरकारें भी साथ दे रही हैं इसीलिए रियल काम हो रहा है, नहीं तो मुमकिन नहीं था। बताइए जो कि दुबई में जो हुआ है और सीढ़ी तक में एडवर्टाइजिंग हुआ है, तो ये तो गौर करने वाली बात है। जहाँ पे लोग पैदल हिटते हैं, अगर ऊपर आपकी नजर नहीं जाती है तो पैर तो देखी जाती है ना, अपनी पैर सीढ़ी पे बिना देखे नहीं चढ़ सकते, चाहे कोई भी हो। तो वहां पे एडवर्टाइजिंग मैंने आज या कल देखा तो हमें बहुत आनंद आया, जो कि मानना पड़ेगा बाहर यश, जो कि उन्होंने रामायण लिखे हैं, 2014 में रामायण लिखे हैं और 18 में लेके आए हैं। जब 18 में लेके आए हैं तो 22 में चालू करें या 25 में, इसमें कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाने के लिए एक आदमी को, और सोचना ही सबसे बड़ी बात है, बनाना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सोच के आए हैं दुनिया में तो लेके ही आएंगे, पैसे नहीं देखे जाते। और वेबिनार जो रात में होने वाला है उसमें सब लोग सर बहुत अच्छा बोल रहे थे, सर की नेटवर्क इशू हो गई। महेंद्र सर आप दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आज हमारे साथ अबू तायर सर भी देख रहे हैं, तो सर क्या आप अपनी सेंड करेंगे बहुत दिनों के बाद सर तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। वेलकम सोनू सिंगल सर, यस सर आप क्या बोलना चाहेंगे वेबिनार को लेकर के? सोनू सिंगल सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नेटवर्क इशू है शायद उनका। ओके तो हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, सर आप तक हमारी आवाज जा रही है? सर आप तक हमारी आवाज जा रही है? सर आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है उन तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो सर फिर से अगेन रिक्वेस्ट सेंड करें। हमारे साथ विक्रम सर जुड़ चुके हैं, तो जैसा कि वेबिनार को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यस वेलकम सर, वेलकम सर आप क्या बोलना चाहेंगे? वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑडिबल? यस यस सर, सर हमारा टॉपिक है व्हाई मीटिंग व्हाई वेबिनार। ये मीटिंग अगर वेबिनार अपन नहीं करते मैम तो हम कुछ सीख नहीं पाते, जैसे इतने सारे लोग नॉलेज एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग नॉलेज एक्सचेंज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग हर मंथ पे जाते हैं और सीखते हैं, अभी हमने जो इनक्रेडिबल इंडिया पे था वहां पे, तो वहां पे हमने सीखा कि जैसे चीनी, दूध चीनी और चावल मिला दे तो खीर कहते हैं, खीर कहते हैं, और जो लोगों को जिंदगी सवार दे उसे जसवंत सिंह जसी कहते हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है हर मंच पर, कुछ ना कुछ जैसे इंस्पायर होते हैं, हम मंच से ही जाके इंस्पायर हुए। मैं बता रहा हूँ मैडम मैम कि मैं ज्वाइन करके 29 जून से बिल्कुल न्यूट्रल था, कुछ मेरे को जो हमारे जो ब्लेसर थे वो बताए थे कि इसमें कुछ करना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने लोकल मीटिंग अटेंड किया और फिर जसवंत सिंह जसी सर का दिल की बात जसी के साथ मैंने देखा कि नारी शक्ति वहां पे अपना सारा कुछ मल्टीटास्किंग होते हैं और बोल रहे हैं कि 600 बंदे को ब्लेस किया, 700 बंदे को ब्लेस किया, तो फिर कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। तब फिर मैंने बच्चों के साथ लाया और इक्का दुक्का कदम बढ़ाते बढ़ाते, बिल्कुल यही तो होता है हम लोगों का मोटिवेशन, वेबिनार से हम लोग मोटिवेट होते हैं। यस मुरुगेश सर हम आपसे सुनना चाहेंगे, वेलकम मुरुगेश सर। एक हमारे बीच में अशोक कुमार सर हैं, उनकी उनका कमेंट आ रहा है कि उनकी रिक्वेस्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। सर जब आप जहां पर हैं आप वहां पे नीचे मैन का आइकॉन होगा या फिर लिखकर भी सेंड रिक्वेस्ट हो सकता है, एक छोटा सा कई बार सेंड रिक्वेस्ट नहीं लिखकर आता है, मैन का आइकॉन होता है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप खुशबू मैम के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी।
अगर किसी को ज्यादा इशू होता है, अगर नहीं आता है समझ में, तो थोड़ा सा बैक करके और फिर से ज्वाइन कीजिए, वही प्रोसेस आता है। जितना बार बैक करेंगे नया प्रोसेस आएगा। फेसबुक में अच्छा फीचर है। बिल्कुल। तो सर माइंडर सर आप कंटिन्यू करें। जी वही बता रहे थे कि आज मैंने 4:30 से लेके और पूरी रात, हमें लगता है कि पूरी रात यश के बारे में सोचना नहीं है, देखना है। तो क्या है कि यही होती है हमारे कंपनी की शक्ति, जो कि अपने काम के लिए नहीं, पूरे 14 लाख लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए मैंने अपने मोबाइल में देख रहा हूँ कि रियल में ये सब चीज हो रहा है। तो जो नहीं समझ पाते वो वेबिनार में आएंगे तो जरूर समझेंगे, और उन्हें आना जरूरी है। जो जुड़ा है वो भी आए, जो न जुड़ा है वो भी आए, थोड़ा सा सुने, तो उन्हें भी तो रिसेलर बनना है। अभी जो 25 लाख रुपए दे रहे हैं वो मुमकिन है, वो 25 करोड़ भी देंगे तो नहीं आने वाले हैं। हो सकता है रिसेलर बन के अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। अगर रिसेलर न बन पाए, अगर कंपनी सिस्टम देखती है रिसेलर नहीं बन पाएंगे, तो फिर से तो छूट सकती है ना। जैसे वो फाउंडर हमारा चला गया तो रिसेलर भी तो चला जाएगा अगर नहीं समझेंगे तो। वेलकम सर। सर आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रही है, थोड़ा सा। मैम आज शॉप पर थे इस वजह से यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह की दुकान है। बोलना चाहेंगे वेबिनार को लेकर के? अभी तो जस्ट अभी हमने ज्वाइन किया, तो वेबिनार को हमने सुना ही नहीं है, क्या टॉपिक है मुझे मालूम भी नहीं है। सर टॉपिक ये है कि वेबिनार क्यों जरूरी है, वाई वेबिनार वाई मीटिंग। और आज हमारे साथ हमारे व्यूअर में सतीश तिवाने सर भी जुड़े हैं, तो वेलकम सतीश सर। अगर आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे तो मैं आपको व्यूअर्स में चेंज कर देती हूँ। तो जैसा कि हम लोग वेबिनार के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वेबिनार और मीटिंग से क्या होता है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। वेलकम सतीश सर। वेलकम वेलकम सतीश सर। सर हम आपसे सुनना चाहेंगे वेबिनार और मीटिंग क्यों जरूरी है। हाँ, 2 सेकंड रुको, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ क्योंकि आवाज का प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में मैं काम कर रहा। ओके ओके नो प्रॉब्लम सर, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसा कि मीटिंग और वेबिनार हम लोग का, तो हमारे साथ महेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं, तो सर हम आपकी पहले शेयरिंग सुन लें क्योंकि आपकी शेयरिंग अधूरी रह गई 2 बार। हमारे में पहली बार ऐसा हो रहा है, हमें लगता है जितना बार मैंने आप लोगों से जुड़ा मैम, ये हमारे पहली बार हो रही है। अब कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है कि नेटवर्क होता है सर, कभी कभी होता है कि फेसबुक हमें बार बार बाहर कर देता है, जैसे आरडी सर को कर रहा था, मालूम तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें जी। हो गया, वो भी साफ है, उन्हें तो हम भी चलाते हैं ना, उनमें भी तो डाटा खर्चा करते हैं अपना। तो क्या है? तो क्या है कि कोई कंपनी आती है तो किसी को, संपत सर को 7 दिन के लिए रिमूव ही कर दिया था फेसबुक ने, वो कॉमेंट ही नहीं कर सकते थे और ना कोई पोस्ट कर सकते थे। तो हम क्या कर सकते हैं सर, ये फेसबुक की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर, क्या है कि हम लोग आए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी ही कंपनी चले। हम तो चाहते हैं कि सारी कंपनियां चलेंगी, और सारी कंपनियां चलने के लिए ही आई हैं। और सब जितने भी कंपनी चलती हैं, जितनी दुकान खुलती हैं, तो दुकान खुलने से ग्राहक कम नहीं होते, बिक्री बढ़ती है। हमें यह समझ में आता है कि हम उसमें जाके देखें, उसमें जाके देखें। तो क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। जो भी आज के मतलब हमारे यस सर आएंगे, चाहे वो कनेक्ट से आए या जूम से आए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि यस की कंसेप्ट है, वो लेके आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। अगर मैंने 4.5 साल गुजार लिया बिना वो कनेक्ट का, तो अभी भी तो गुजार सकते हैं ना। हमें जूम तो सहारा किया है, जूम तो कभी बाहर नहीं फेंका, तो जूम भी तो समझता है ना कि अगर वो कनेक्ट बन रहा है तो जूम का भी फरेद बनता है कि नहीं वो भी कंपनी है और हम भी कंपनी थे। तो क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, वो कनेक्ट आए या ना आए, वो हमारी कंपनी है। अगर रियल समय पे आती है तो सही बात है। अब यस इतनी बड़ी कम्युनिटी बना के पूरे विश्व में फैला के, और उन्हें भी तो चिंता होनी चाहिए, उन्हें भी तो होना चाहिए, उनको जरूरी है, हमें जरूरी नहीं है मैम। क्या है कि उन सबसे बड़ी सिस्टम उनके पास है, और वो बटन उन्हें चालू करने की जरूरत है, हमें हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि आज जो भी
बहुत अच्छी बातें कही, तो अब हम सती सर से भी सुनना चाहेंगे क्योंकि टाइम की कमी रहती है और रिक्वेस्ट कई आ रही है, तो कुमकुम मैम का मैसेज आ रहा है कि कुमकुम मैम आपकी रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही है, तो मैम थोड़ा सा नेटवर्क एरिया नहीं, कुमकुम मैम की मैं नेटवर्क कर चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, बैक ना जाए। यस सतीश सर बोलिए सर। नमस्ते मैम खुशबू मैम, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप फेसबुक पे, मैंने अभी ओपन करके देखा तो आपका ये रॉयल कॉफी जो भी है वो देखा, बड़ा आनंद हुआ मुझे कि बोला हमारी खुशबू मैम भी है यार, बोला लाइव है, चलो बोला थोड़ा ज्वाइन करके देख लेते। तो मैम मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट बताइए, विषय क्या है? व्हाई मीटिंग व्हाई वेबिनार, व्हाई मीटिंग व्हाई वेबिनार। अच्छा अच्छा, तो देखिए मैं ये आपके मंच से माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी प्राउड ब्रांड एम्बेसिडर है ऑन पैसिव से जुड़ा हुआ, वो हर एक इंसान ने जहां पर भी जो भी मंच है कोई भी, तो वो मन से जुड़ना चाहिए। और जो भी अच्छे अच्छे बातों का जो शेयरिंग चलता, अच्छे अनुभव जो लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग है, उनका सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो भी ब्रांड एम्बेसिडर ये मन से जुड़ा रहेगा, उनसे कुछ अपडेट मिलते रहेंगी तो वो लाइफ में पूरा अपडेट रहेगा, उसको कुछ भी बात का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस आईडी ग्रीन कर लिया और जिस दिन आएगा बोले एप्पल उसी दिन हम ओपन करेंगे, तो उनका तो भगवान ही भला करे, मैं तो कुछ उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन नेगेटिव जब तुम कोई वेबिनार को या मंच को अटेंड नहीं करते, कुछ सुनते नहीं, तो आपको हक भी नहीं किसी कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिविटी फैलाने का, क्योंकि आपको जब अपडेट ही पता नहीं तो फिर यार गलत क्यों बोलते हो। और हमारे कंपनी के जो ऐश मुफारे जो सीईओ है, वो इतने अच्छी आइडिया मानवता के लिए लेकर आए, और कंसेप्ट कोई भी हो, आज आप एफडीबी कोई नेशनल बैंक में करते हो तो 8 से 10 साल तक राह देखना पड़ता, तो ऐसा ही सोचो कि आपने जो 9,086 रुपए जो डाले, तो ये प्रेजेंट के लिए नहीं है, ये अपना फ्यूचर है। और ये फ्यूचर के बारे में कोई भी आदमी यदि सोचता है ना, क्योंकि कोई भी इंसान अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बारे में सोचता है, तो 9,086 में आप 9 करोड़ भी कमा सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और मेरा नजरिया जो है ऑनपैसिव की तरफ देखने का, या आज का प्रेजेंट का नहीं, मैं फ्यूचर देखता हूँ ऑनपैसिव में, तो आने वाला फ्यूचर मेरा भी ठीक रहेगा, मेरे परिवार का भी अच्छा रहेगा, और आने वाले न्यू जनरेशन जो भी है मेरे फैमिली में उनका भी अच्छा रहेगा। तो इतने सोचने की और निगेटिविटी फैलाने की कोई बात नहीं, शांति रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सबका भला होगा, अच्छा होगा। थैंक यू मैम, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस सर, सर हम आपसे सुनना चाहेंगे। कुमकुम मैम आपकी रिक्वेस्ट आके डिक्लाइन हो गई, सर आप क्या बोलना चाहेंगे? वाई मीटिंग वाई वेबिनार। जी मैं डिस्ट्रिक्ट उमरिया एमपी से बोल रहा हूँ। यस सर, इसमें मेरा वो मेल नहीं खुल रहा है, काफी दिन हो गए। सर आपने पहले ओईएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया था? जी जी, फिर दोबारा जो बोले थे ना दोबारा करने के लिए, वो कर लिया हूँ। कुछ दिन खुला है। अच्छा, कुछ दिन खुला है, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया है। नहीं खुला सर, कुछ दिन खुला है फिर बंद हो गया, तो आप एक बार मोबाइल का स्विच, सॉरी जब आप ओईएस में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, लैपटॉप में खोलता हूँ, लैपटॉप में जाते हैं, तो आप पहले ऊपर में उसकी हिस्ट्री क्लियर कर ले, उसके बाद सर आप खोलने की कोशिश करें, या फिर सर आप लैपटॉप से खोलते हैं तो एक बार मोबाइल से खोलने की कोशिश करें। अगर आप क्रोम ब्राउजर से खोलने की कोशिश करते हैं तो एक बार अपना ब्राउजर चेंज करके खोलने की कोशिश करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सोमलता वर्मा मैम जो यूट्यूबर हैं उनके साथ भी ऐसी समस्या हुई थी, तो उनकी उन्होंने लैपटॉप से बार बार खोलने की कोशिश की तो नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपने मोबाइल से खोला तो उनका हो गया, तो उन्होंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। आप एक ब्राउजर चेंज करके देख लें। जी ब्राउजर चेंज कर लें। ब्राउजर चेंज कर लीजिए। यस सर, हिस्ट्री डिलीट कर लीजिए, हिस्ट्री डिलीट कर लीजिए और ब्राउजर भी एक बार चेंज कर लीजिए,
और अगर ब्राउजर चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो एक बार सर लैपटॉप से मोबाइल की जगह मोबाइल पे खोलने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो कल आप हमारे लाइव में जुड़िएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को तीन बजे होता था लेकिन हम लेडीज हैं तो सर कभी कभी हमें काम की वजह से थोड़ा सा टाइम में चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे सर। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सर। हेमंत राम सर, आपकी आज 4 बार रिक्वेस्ट आई है और चारों बार आपको जब मैं ऐड कर रही हूँ तो डिक्लाइन हो जा रही है। कुमकुम मिश्रा की भी मैंने 3 बार ऐड कर चुकी हूँ, तो पता नहीं, शायद मे बी इस बार वो ज्वाइन हो जाए हमारे साथ। तो वेबिनार और मीटिंग हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों को कंपनी की अपडेट मिलती है, हम लोग लर्निंग कर सकते हैं और हम लोग के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को डिफरेंट लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो एक वर्किंग आइडिया भी मिलता है। जैसा कि यहाँ अभी कुछ व्यूवर्स ने पहले बताया कि मैंने, विक्रम सर ने भी बताया कि मैंने लेडीजों को सुनकर कि उन्होंने इतनी टीम बना ली, तो मेरे अंदर ये भाव आया कि जब लेडीज कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। अभी स्वाति मैम ने बताया कि मेरे अंदर ये भाव आया कि वो शेयरिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो इसी तरीके से हम जब लोगों से सुनते हैं तो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं और हर किसी के बोलने का, समझाने का, कहने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है और उससे हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आता है। शिव समथिंग था नाम, मैं भूल गई हूँ, तो आपकी भी डिक्लाइन हो गई है। और कुमकुम मैम, आप एक बार फेसबुक से निकल के फिर वापस से ज्वाइन करें तो शायद आपकी हो जाएगी। कुमकुम मिश्रा सर मैम, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, वेबिनार के जरिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और पहले जो था वेबिनार जो होता था वो लोकल एरिया में होता था, तो हम लोगों को वहां पर एक रेंट पे एक जगह लेनी पड़ती थी, प्लानिंग करनी पड़ती थी और बहुत सारा हम लोगों का एक्सपेंसेस भी होता था। लेकिन अभी जो वेबिनार हो रहे हैं, अभी जो मीटिंग हो रहे हैं वो जूम पे हो रहे हैं और इसमें हम लोगों को सिर्फ टाइम देना पड़ता है और हम अपने घर से अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, कैमरे को ऑफ कर दीजिए और आप मीटिंग को अपने घर में अपना काम करते हुए सुन सकते हैं। अपने ऑफिस में आप अपने वर्क के साथ भी हर एक वेबिनार से अपने लेवल पर जानकारियां ले सकते हैं। तो ये चीजें काफी अच्छी हो गई कि हमें अपने घर को छोड़ के नहीं जाना, हमें अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं और हम कैमरा ऑफ करके भी अपने जो जानकारी है उसको ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वेबिनार या मीटिंग के लिए तो वो होता है हमारा मोटिव। हमारा मोटिव अगर क्लियर है कि यस मुझे इस कंपनी में काम करना है और ये कंपनी मेरे लिए फ्रूटफुल है, इस कंपनी में मेरे फ्यूचर सिक्योर है, मेरे बच्चों के फ्यूचर सिक्योर है, जैसा कि सतीश सर ने भी कहा कि मैं इस कंपनी में अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर देखता हूँ, अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर देखता हूँ, उसी तरह से देखता हूँ जिस प्रकार से अगर हम FD वगैरह करते हैं तो हमें 10 साल के बाद ही वो रकम मिलती है, या LIC वगैरह करते हैं तो कुछ साल तक लगातार हमें प्रीमियम देने के बाद ही मिलती है। कुमकुम मिश्रा सर, हम मुझे लग रहा है आपके मोबाइल के सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार अपनी सेटिंग रिफ्रेश करके फिर से रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि रेखा मैम के साथ भी ऐसा ही होता है, वो अपने मोबाइल से नहीं जुड़ पाती है। आपकी कई बार रिक्वेस्ट आई है, मैंने एक्सेप्ट भी की है बट वो डिक्लाइन हो जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो उसे हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। जैसे कि हम वेबिनार सुनते तो कोई वेबिनार में हमें वैल्यू के बारे में बताता है, कोई कंपनी की वैल्यू के बारे में बताता है, कोई हमें बताता है कि ऑन पैसिव क्यों जरूरी है, कोई हमें बताता है डाटा सेंटर क्यों जरूरी है, कोई हमें बताता है कि ये चीजें क्यों। तो इस तरीके से हर वेबिनार के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं और हर किसी का बोलने का भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है मैं जिस तरीके से समझाऊं आपको समझ में ना आए,
लेकिन वही चीजें अगर स्वाति मैम आपको समझाए तो आपके दिमाग में काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति मैम समझाए तो आपको समझ में ना आए और मेरी बातें आपके समझ में उतर जाए, या फिर कभी हम दोनों में से किसी की बात समझ में ना आए और हमारे साथ जो फाउंडर जुड़े हैं उनकी बात से आपको कुछ लर्निंग को मिल जाए। तो इसलिए वेबिनार और सेमिनार अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जरूर अटेंड करने चाहिए। वेलकम हेमंत सर, आज काफी बार आप टाइम हुआ है। क्या करें मैम, इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, कितना कोशिश आपका तो डेली सुनता हूँ मैं वेबिनार के बारे में। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मैम, सब लोग का वेबिनार सुनना और ज्वाइनिंग होना सबका जाने का रास्ता है, तो ऐसा कुछ भी सबका सोल्यूशन मिल जाएगा मैम। वेबिनार अगर सुनेगा कुछ भी ज्वाइनिंग होएगा ना, वो लोग का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। मेरा कहना मतलब है, अगर वेबिनार सुनेगा कुछ भी मीटिंग अटेंड करेगा, वो लोग 200 आदमी 500 आदमी कितना ज्वाइनिंग होएगा, आईके का अलग 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 आइडिया आएगा, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व होएगा। इतना ही कहना चाहता हूँ मैम, बहुत खुशी हुआ, 4-5 दिन से प्रॉब्लम है मैम, 4-5 दिन से आपको मिल नहीं पाया, सिर्फ सुनता हूँ मैं, प्रॉब्लम है। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू। यस स्वाति कंटिन्यू। बिल्कुल, वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। होप सो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी चीजें समझ आ भी रही होंगी और समझते भी हैं। बस इतना ही बोलूंगी, कोई भी बिजनेस की आधार, कोई भी बिजनेस का आधार होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, हमारे जो वर्कर लेवल का अलग से मीटिंग किया जाता है, हमारे जो मैनेजर्स लेवल का अलग से मीटिंग किया जाता है, हमारे एमडी या हेड जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके अलग अलग मीटिंग किए जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे बीच में बहुत सारे जॉब करने वाले भी होंगे कि वो वहां पर किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं। तो किसी भी बिजनेस का आधार ही होता है कि हम चीजों को स्प्रेड करें, मार्केट में मार्केटिंग करें, स्प्रेड करें किसी भी चीज को, स्प्रेड पॉजिटिव तरीके से जाए। वो तभी पॉजिटिव जाएगी बाहर जब हमारा एक, जो हमारे अंदर एम्प्लॉयज हैं या हमारे अंदर फाउंडर्स हैं या हमारे अंदर एमडी हैं, वो सब चीजें पॉइंट क्लियर हो कि हमें इस कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है, हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लेके जाना है, हमें किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और पॉजिटिव स्प्रेडिंग कैसे करनी है। ये सब चीजें मीटिंग के जरिए, वेबिनार्स के जरिए होती है। एज ए फाउंडर, हम लोग कंपनी के फाउंडर हैं, जगह जगह ऑफिसेज नहीं खुल सकते, ना ही हम लोग जगह जगह जा सकते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल दुनिया हो चुकी है, डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो एक कंफर्ट जोन भी हम लोगों को मिल चुका है। तो आज हम ये लोग आज वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग ये चीजें कंपनी को ही स्प्रेड कर रहे हैं, कंपनी की चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं आगे पॉजिटिवली, और खुद भी लर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ना किसी मेंटोर की फीस जा रही है, ना किसी तरीके की हमें डिग्री मांगी जा रही है, हमें फ्री में इतनी नॉलेज मिल रही है हर चीज में। हमारे मेंटोर्स, हमारे लीडर हम लोगों को हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आज का वेबिनार होता है, कॉर्पोरेट वेबिनार है, ये कॉर्पोरेट वेबिनार हमारे सीईओ ना करें, हमें बस ऊपर की कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उनको ये चीजें दे दें। यस, नमस्ते सर, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं? नहीं, पहले भी बहुत बार आए हैं। यस, जुड़ चुके हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, बोलना नहीं चाहता, सुनना चाह रहा हूँ मैं, आपका आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो सर को अगर सर आप कुछ रखना चाहते हैं तो ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि किसी भी बिजनेस का आधार होता है, तो हम आज हमारे सीईओ का वेबिनार है, वो हम लोगों को चीजें ना बताएं, सिर्फ अपने ऑफिस में जो टेक्निकल हेड्स हैं या जो वहां पर जॉब कर रहे हैं उनको बता दें, हम तक चीजों को ना प्रॉपर तरीके से पहुंचाएं वेबिनार के जरिए, तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली है, हम लोग परेशान हो जाएंगे, हम लोगों को चीजें जहां से हमें कच्चा पक्का गलत
सही सुनने को मिलेगा, हम उसी को समझेंगे और उसी को स्प्रेड करते चले जाएंगे। आज हमारे सीईओ वेबिनार देंगे, कल हमारे लीडर्स आकर वेबिनार्स में उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे हमारे लिए। तो इससे क्या है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, हमने भी पॉजिटिविटी ली और हम उसी तरीके से पॉजिटिविटी को मार्केट में स्प्रेड करने वाले हैं। तो ये चीजें वेबिनार का आधार होती हैं, मतलब मेन वेबिनार का ये काम होता है। बाकी मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर मुझे यहाँ देना बहुत जरूरी है। वो है टॉपिक से हटकर है थोड़ा सा खुशबू मैम, कि बहुत लोगों का ये बहुत लोगों का कई दिन से क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी लेट हो रही है, कंपनी इस तरीके से ओ कनेक्ट नहीं आ रहा है, कंपनी ने हमें टाइमिंग दी थी लेकिन टाइमिंग आगे खिसकाती चली जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जितनी मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं बोल आगे नहीं कर पाऊं, पर जितनी नॉलेज है सिर्फ उसी बिहाफ पर मैं बोलूंगी कि फ्रेंड हम लोगों को एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट हुई थी और हम कुछ फाउंडर्स को लेकर स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज अभी हमारे बैकएंड पे काम चल रहा था, अभी तक कंपनी को कोई नहीं जानता था, दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि ऑन पैसिव, हम फाउंडर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। बट जिस दिन से हमारे दुबई में कैंपेन शुरू है, मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू हुई है, तब से दुनिया में हमारे ऑन पैसिव का नाम हो चुका है, दुनिया जान रही है ऑन पैसिव को, जगह जगह देख रही है। तो आप उसे अंदाजा लगाइए कि क्या मार्केट में कंपटीशन खड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कंपटीशन खड़ा हो चुका है हमारी कंपनी के लिए इस वक्त। तो इस सिचुएशन में शायद आपने कल या परसों ढिलन सर का वीडियो भी सुना होगा या और भी हम चीजें ग्रुप में देख रहे हैं, उन्होंने भी ये चीजें बोली कि कंपटीशन मार्केट में तगड़ा आ चुका है। आप भी समझते हैं कि एक अगर मार्केट में कोई शॉप बहुत बढ़िया शॉप खुल जाती है और मेरी छोटी शॉप है या बड़ी भी शॉप है, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर पास में कोई बड़ी शॉप खुलती है तो मुझे प्रॉब्लम होनी बनती है क्योंकि मैं उस मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ। नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। तो सेम ऐसे ही अब हमारी कंपनी बाहर आ चुकी है, दुनिया की आंखों के सामने आ चुकी है, तो कॉम्पिटिटर भी तैयार हो चुके हैं और उसको उससे मतलब उसे नीचे करने के लिए भी बहुत सारा चैलेंजेस हमारे सीईओ और हमारी कंपनी के आगे खड़ा हो चुका है। तो कुछ चीजें हम लोगों को बहुत परफेक्टली बाहर लेकर आनी है। दूसरा, दुबई जैसी कंट्री में जहां पर लीगैलिटी और सिक्योरिटी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसी जगह पर 10 साल के लिए एक मेट्रो स्टेशन को एग्रीमेंट साइन हुआ है, और कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है, अगर हम एक बच्चे का स्कूल, छोटे से बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी कराने जाते हैं, वहां पर भी हमें दुनिया भर के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे के डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, दुनिया भर की प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं छोटे बच्चे का एडमिशन का। तो आप ये सोचिए जब 10 साल का वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ है इतनी लीगैलिटी वाली कंपनी में, कंट्री में जहां पर बहुत चीजों को लेकर स्ट्रिक्टनेस है, तो आप सोचिए कितना डॉक्यूमेंट वर्क हुआ होगा और कितनी उनके सामने जो वहां की गवर्नमेंट है हमारे सीईओ के सामने भी कितने रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने रखे होंगे, डेफिनेटली रखे होंगे। तो ये चीजें चैलेंजेस हमारी कंपनी करते हुए हमारे सीईओ इन सब चीजों से ऊपर आकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हम लोग परफेक्टली तरीके से आने की तैयारी में है। तो उन चीजों को आप लोगों को वेट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार हर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है कि मैडम ये कब हो जाएगा, बट डेट दे दीजिए। सर डेट नहीं होती है, ये कोई शादी नहीं है, ये कोई बर्थडे नहीं है कि हमने एक डेट फिक्स कर दी है इनकी कि हमारी इस उस पर ही शादी फिक्स हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन मार्केट में आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिट करने वाला है, दुनिया भर के कॉम्पिटिशन तैयार होने वाले हैं इस चीज को, बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी वो करने आ रही, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, वो अपनी एक परफेक्ट चीजें लेके आ रही है, लेकिन वो किस तरीके से अपना काम कर रही है और लेकर आ रही है परफेक्ट तरीके से, हम लोगों को सिर्फ उस चीज का वेट करना है यहाँ पर, ना कि इन चीजों का कभी भी डेट फिक्स नहीं होता। सॉल्यूशन जिस दिन परफेक्ट तैयार होगा हमारे सामने आएगा,
अगर आज डेट आज जो भी डेट है क्या डेट है 21 डेट ना 21st डेट है तो आज अगर फिक्स कर दी जाती कि ये चीज आ जाएगी और वो अभी परफेक्टली तरीके से तैयार नहीं हुई है और आपने दो दिन पहले ऐश सर का एक मार्टी डिगामो सर के उसमें लाइव सुना भी होगा उसमें उसने सर ने बिल्कुल क्लियर बोली है ये चीजें कि मुझे प्रेशर क्रिएट मत कीजिए किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट नहीं करना है हम लोगों को क्योंकि हमारी चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है बहुत बड़ी चीजें हैं और जब वो परफेक्टली मार्केट में आएंगी तो बहुत अच्छे से रन करने वाली हम लोगों ने एक होप खरीदी है एक होप एक आशा है हम लोगों की आप ये सोचिए जो लोग ऑन पैसिव में जुड़े ही नहीं अभी उनका सोचिए इतना इतने लोगों का कॉल आ रहा है कि हम लोग आईडी खरीदना चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा देकर भी कितने लोग सामने आ चुके हैं कि हमसे पैसा 20-25 लाख रुपए तक देने को तैयार है एक आईडी लेने के लिए सिर्फ एक आईडी लेने के लिए आप ये सोचिए तो अपनी हमें इन चीजों को वैल्यू समझनी है वो लोग समझ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेन होना आसान नहीं है हर चीज इतने ओपन नहीं होती है गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में अभी कितनी जगह पे एक यूएसए में ये यहाँ पर ऑफिसेज हैदराबाद में ऑफिस है हैदराबाद की जो जगह है तेलंगाना वहां पर आप जल्दी से कोई शॉप इजिली नहीं खरीद सकते हैं लेकिन वहां पर हमारे ऑन पैसिव का इतना बड़ा ऑफिस है आप पता कीजिए तेलंगाना जो शहर है जो हैदराबाद का जहाँ पे हम लोगों का जो ऑफिस वगैरह है हैदराबाद की दो सिटीज है तो वहां पर आप लोग इजिली एक शॉप भी नहीं खरीद सकते हैं तो वहां पर हमारा ऑफिस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता या कुछ नहीं पता तो इन सब चीजों से ये चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये हमारे सोचने की जो चीज है उसको ताकत देती है बहुत सारे लोग हैं वो वेबिनार्स में नहीं आए हैं पिछले कई 1-1.5 साल से जब से आईडी लगाई है और अब उनके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनको डाउटफुल क्वेश्चंस आ रहे हैं क्यों क्योंकि वो एक्टिव हुए हैं कि यस कंपनी तो है कुछ लेकिन ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं आ रही है तो वो उनके लिए मैंने यहाँ पर बोला था क्योंकि वो फिर जगह जगह फोन करेंगे कहीं से हो सकता है उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले तो वो फिर नेगेटिव हो जाएंगे तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहता यस खुशबू मैं बिल्कुल स्वाति जी आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पे सही आंसर क्लेरिफाई करने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है और हर एक प्लेटफॉर्म पे चाहे जहां भी वेबिनार हो जहां भी यूट्यूब लाइव हो वहां पर ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि ओ कनेक्ट पे होगी ओ कनेक्ट कब आ रहा है डेट निकल गई लेट हो रहा है ये सारे क्वेश्चंस कॉमन है तो उन चीजों के लिए सबसे पहले मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ भी चीजें आईटी की जो होती है तो वो हमारी कंपनी सिर्फ एक दो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है यहाँ पर पूरे जो 14,30,000 हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं उन सब का फ्यूचर और उनके जनरेशन टू जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करने की बात है तो फ्यूचर सिक्योरेंस की जहां पे बात होती है तो हम एक छोटी सी भी प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है मैनेजमेंट चाहिए होता है हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है और यहाँ तो इतने सारे लोगों की जनरेशन टू जनरेशन का सवाल है तो कोई भी चीज को प्रॉपर रेडी करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा ये कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी या ये ऐसा होगा वैसा होगा तो उन लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दुबई एक गल्फ कंट्री है और गल्फ कंट्री में गवर्नमेंट के साथ में हमारा एग्रीमेंट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है इन चीजों को हमें गंभीरता से समझना होगा हर एक चीज पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है कुछ चीजों को हमें बातों को समझना पड़ेगा उसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और आज का हमारा टाइम भी हो गया है तो स्वाति क्या हम एंड कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल वी आर सो इसी के साथ विन इट हम लोग वी आर सो इन इट टू विन इट थैंक यू सो मच थैंक यू मम्मा थैंक यू